बड़ी खबर के बुलेटिन में बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना संक्रमण के आंकड़े। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना संक्रमण फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर 41,157 नए कोरोना मरीज सामने आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन के अंदर 518 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और अभी भी देश में 4,22,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो एक बार फिर कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। फिलहाल देश में 4,22,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं और पिछले 24 घंटे में 518 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना का संक्रमण एक बार फिर पैर पसार रहा है, फिर बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे का कोरोना मीटर हम आपको दिखा रहे हैं। 41,157 नए केस सामने आए हैं और जबकि 24 घंटे में 518 लोगों की जान इस कोरोना की वजह से चली गई। हालांकि पिछले 24 घंटे में 42,000 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केस 4,22,000 से ज्यादा हैं देश में इस वक्त कोरोना के। तो एक बार फिर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे हैं। देश में एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना का ग्राफ। तीसरी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे का कोरोना मीटर हम आपको दिखा रहे हैं। 41,157 नए केस सामने आए देश भर में, वहीं पिछले 24 घंटे में 518 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। हालांकि 42,000 मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है, जो ठीक हुए। तो फिर बढ़ने लगी है देश में कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर 41,157 नए मरीज सामने आए। एक दिन के अंदर 518 कोरोना मरीजों की जान चली गई और एक दिन में 42,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अभी देश में 4,22,660 कोरोना के एक्टिव केस हैं। अब तक कुल संक्रमित 3,11,06,000 हैं और अब तक 4,13,609 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। तीसरी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर कोरोना के ग्राफ में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मरीज कोरोना के सामने आए। 518 मरीजों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। अब बात यूपी में बढ़ रहे सियासी तपन की, क्योंकि जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। मिशन 2022 के लिए आई प्रियंका के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन है। आज वो दिल्ली वापसी कर सकती हैं। तो उधर बसपा प्रमुख ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा दांव चल रही है और प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने की तैयारी है। उधर आज समाजवादी पार्टी का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बहराइच जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा और अपनी रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा। 1.5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या और क्षेत्र पंचायत सदस्य के जेठ की पीट पीट कर हत्या बहराइच में की गई थी। इन दोनों मामलों में सपा का प्रतिनिधि मंडल परिवार से मिलेगा। हालांकि दोनों ही मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सियासी तपन बढ़ रही है उत्तर प्रदेश की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की जो घड़ी है वो नजदीक आ रही है और ये तीन तस्वीरें आज जो सियासी घटनाक्रम है। प्रियंका के दौरे का आज आखिरी दिन है और ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत आज बसपा करने वाली है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले बसपा की बड़ी तैयारी है। ब्राह्मणों को साधने में जुटी है बसपा प्रमुख मायावती। ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने की तैयारी में बसपा जुट गई है और सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी दी है। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर यूपी में ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू करेगी। पिछले साल अक्टूबर में इस अभियान को पार्टी ने शुरू किया था लेकिन कोरोना के चलते इसे रोक दिया गया था। तो 23 जुलाई से बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू होगा और एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर यूपी में ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, एक बार फिर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है, ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 23 जुलाई से, ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो रहा है और सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देखते हैं आप इस बसपा की तैयारी को? 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी फुल मेजोरिटी में आई उत्तर प्रदेश में और मायावती की सूत्र बनी, तब कहीं न कहीं जो इनका
स्थायी चारा कमेटियां थी जो ब्राह्मण सम्मेलन थे, उसका बहुत फायदा मिला था। और यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत पार्टी करने जा रही है। बीते साल अक्टूबर में नवरात्र के समय भी इस अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन फिर कोरोना आ गया, इसलिए उसको बीच में ही रोक दिया गया था। और अब एक बार फिर यूपी के अलग अलग जिलों में एक हफ्ते तक ये पूरा अभियान चलाया जाएगा, ब्राह्मण जोड़ो अभियान के तहत ब्राह्मणों को जिलों में जोड़ा जाएगा और फिर उसके बाद छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाएंगे। पार्टी की तैयारी ये है कि जो ब्राह्मण समाज है वो भी पार्टी के साथ आए और 2022 के चुनाव में उनके साथ आने से पार्टी को फायदा मिल सके। और पूरी जिम्मेदारी पहले भी सतीश चंद्र मिश्र के पास रही है और अब भी इस बार भी जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है। वो कोऑर्डिनेट करेंगे सारे जिलों में सारे लोगों से और इस अभियान को आगे ले जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की कोशिश ये है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, 2007 से 2012 तक बसपा शासन में रही, सत्ता में रही। 2012 का चुनाव जिस तरीके से डिफीट मिली, फिर 2017 में डिफीट मिली, 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव। तो अब पार्टी को ये लग रहा है कि उसके पास एक आखिरी मौका है। अगर इस बार भी इन चुनाव में भी पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं हुई तो आगे मुश्किल हो सकती है। और इसीलिए जो भी अभियान उसने पहले चलाए थे जिससे उसे सफलता मिली थी, उन्हीं अभियानों को पार्टी दोबारा शुरू करने जा रही है। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर बसपा सुप्रीमो ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कवायद में जुट गई हैं और इसी को लेकर 23 जुलाई से अभियान की शुरुआत हो रही है। मायावती का ये चुनावी दाव, विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, फिर से ब्राह्मण जोड़ो अभियान चलाएगी बसपा। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। 23 जुलाई से बसपा का ये अभियान शुरू होगा और सतीश चंद्र मिश्र को इसकी जिम्मेदारी मायावती ने सौंपी है। और बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी के यूपी दौरे की। तो प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रियंका बैठक करेंगी, दोपहर बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगी प्रियंका गांधी। और कल प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। प्रियंका ने कहा था, रुकिए मत, डरिए मत, मजबूती से आगे बढ़ना है और जीतना है। और एक बार फिर आज जो पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रियंका की बैठक है उसमें भी वो कुछ एक संदेश, एकजुटता का संदेश देती दिखाई दे सकती हैं। आज उनके यूपी दौरे का तीसरा दिन है और दोपहर बाद वो दिल्ली रवाना हो सकती हैं। कल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ प्रियंका गांधी ने बैठक की थी और उन्हें जीत का मंत्र दिया था, डरिए मत, रुकिए मत, मजबूती से लड़ना है और जीतना है। और आज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ प्रियंका गांधी की बैठक है। वहीं लखनऊ में प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि एकजुट होकर 5 महीनों तक काम करेंगे तभी सही नतीजा आएगा। उन्होंने कहा कि अब 24 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाना होगा, पुराने नेताओं के साथ काम करना होगा तभी कामयाबी मिलेगी। डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। आप सब अनुरोध करती हूँ कि आज से चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए। और आपको सबसे बड़ी बात इस चीज पर आपको गर्व होना चाहिए कि जो संघर्ष बना है वो फर्जी और कागजी नहीं है। तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ आए हैं उसकी भी वजह यह है कि हम सब ने एक साथ काम किया है। और अब बात बहराइच में होने वाले सियासी संग्राम की। बहराइच में हुई दो घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाला है। आज बहराइच जाएगा समाजवादी पार्टी का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री राकेश के नेतृत्व में ये पूरा प्रतिनिधि मंडल बहराइच जाएगा। मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में परिवार से समाजवादी पार्टी के नेता मुलाकात करेंगे। रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के बाद उनका हालचाल जानेंगे, उनका दुख दर्द बांटेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य के जेठ की हत्या के बाद परिवार से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। बहराइच से वापस आने के बाद अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पिछले महीने 1.5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और आपको बता दें कि दोनों ही मामलों में पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
तो 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बहराइच जाएगा। बहराइच में आज सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। रेप पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की जाएगी। 1.5 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में समाजवादी का पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलेगा और एक रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य के जेठ की पीट पीट कर हत्या हुई थी, वहां भी पीड़ित परिजनों से समाजवादी पार्टी के नेता मिलेंगे। इन दोनों ही मामलों की जो रिपोर्ट वो तैयार करेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां आज आरएसएस की एक बड़ी बैठक है। यूपी बीजेपी समेत सभी संगठनों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सह सर कार्यवाह अरुण कुमार भी बैठक में शामिल होंगे। तो साथ ही दोपहर 2 बजे संघ की समन्वय बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो लखनऊ में आरएसएस की अहम बैठक है और इस बैठक में यूपी बीजेपी समेत सभी संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। तो लखनऊ में आरएसएस का मंथन है और दोपहर 2 बजे संघ की समन्वय बैठक होगी। अब बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा की। यूपी में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। सरकार से बातचीत के बाद कांवड़ संघ ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई जारी है। सोमवार को यूपी सरकार को यात्रा पर पुनर्विचार करने के संबंध में हलफनामा देने को कहा गया है। उससे पहले ही सरकार ने कांवड़ संघ से बातचीत की और कोरोना के ताजा हालातों की तस्वीर पेश की, जिसके बाद कांवड़ संघ ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया। यूपी सरकार ने पहले यात्रा कराने को कहा था। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही यात्रा कराने से मना कर दिया और अब उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। कांवड़ संघों ने बातचीत की, उसके बाद सरकार से इस पर चर्चा हुई और निष्कर्ष निकला कि इस साल भी कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी जाए और ये फैसला ले लिया। तो कांवड़ यात्रा पर इस बार भी कोरोना का ग्रहण है। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा कोरोना के चलते स्थगित हो गई है। कांवड़ संघ ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। अलग अलग कांवड़ संघ हैं जिनकी एक बैठक हुई और सरकार के साथ चर्चा हुई, सहमति बनी और इसके बाद कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। अब सोमवार को कांवड़ यात्रा को लेकर सुनवाई है। यूपी सरकार को हलफनामा पेश करना है और उससे पहले कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला ले लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था कि कांवड़ यात्रा ना शुरू की जाए। अब कल भी इस मामले में सुनवाई होगी और उत्तराखंड में पहले ही कांवड़ यात्रा को स्थगित किया जा चुका है। कांवड़ संघ और सरकार के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद कांवड़ यात्रा को इस साल भी स्थगित करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में पहले ही कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो कांवड़ यात्रा यूपी में स्थगित कर दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है। धर्मांतरण मामले में एटीएस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के नागपुर से हुई है, जिसमें 2 प्रकाश काबरे उर्फ आदम और भूप्रिय बंदो उर्फ अरसलान मुस्तफा नागपुर के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी झारखंड का रहने वाला कौशर आलम है। इसकी उम्र 50 साल है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने वाले उमर गौतम के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। तीनों को उमर गौतम से पूछताछ के आधार पर नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पहुंचने के बाद यूपी एटीएस इन्हें कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश करेगी, जिससे इनसे गहनता से पूछताछ की जा सके। इस मामले में अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रकाश काबरे उर्फ आदम स्नातक है और उसकी पत्नी इजिप्ट की नागरिक है।
तो धर्मांतरण मामले में तीन और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने यूपीएटीएस ने नागपुर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के नागपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। एटीएस के द्वारा पूर्व में धर्मांतरण के संबंध में एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया गया था, जिसमें कुल पांच लोग पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। उसी के क्रम में इनके तीन अन्य साथियों, जिनका नाम क्रमशः प्रकाश कांवरे उर्फ एडम, कौसर आलम व डॉक्टर अरसलान उर्फ भूप्रिय बंदो को महाराष्ट्र के नागपुर से दिनांक 16/7/21 को देर रात्रि में गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को सड़क मार्ग से नागपुर से लखनऊ लाया जा रहा है, जिनके आज रात्रि तक लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है। आगरा में 18 किलो सोना और 5 लाख रुपए कैश लूटकर भागे बदमाशों में से दो की पुलिस मुठभेड़ के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। सीएम योगी ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की तारीफ करते हुए पुलिस की पीठ थपथपाई है। दरअसल आगरा में हथियारबंद लुटेरों ने कमला नगर क्षेत्र में मंडपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में दिनदहाड़े लूट को अंजाम दिया था। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और एतमादपुर इलाके में दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, लूट की घटना को चार हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया था। तो लूट की जो वारदात थी उसको चार बदमाशों ने अंजाम दिया था और इस लूट के जो आरोपी हैं, पुलिस ने इन पर त्वरित कार्रवाई की। दो बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई पर पीठ थपथपाई है। आगरा पुलिस की सीएम योगी ने तारीफ की है। लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। मणपुरम गोल्ड लोन से लूट की वारदात को चार बदमाशों ने अंजाम दिया। एतमादपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, इसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हुए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान बदमाशों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की है। देखिए, अभी हम तो यही कहेंगे कि हमारा काम आधा हुआ है, लगभग रिकवरी भी आधी हुई है, बदमाशों की संख्या भी आधी है जिसपे हम काम कर पाए हैं। और जैसा आपने खुद ही कहा कि दो से तीन बदमाश अभी शेष हैं, अभी हाफ ऑफ द कैश एंड ज्वेलरी बाकी है जिसको रिकवर करना है। गैंग फिरोजाबाद का है, ये जानकारी हो गई है। गैंग पे अब काम करेंगे, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री, उनके कंप्लिस कौन लोग हैं, पुराने किस किस मुकदमों में जेल गए हैं, उस पर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जितना डिटेल्स इनके बारे में निकाल सके, प्लस बाकी जो हमारा डिजिटल सर्विलेंस का तरीका है कि हम एनालिसिस करते हैं, अननोन नंबर्स की वेरिफिकेशंस करते हैं, इन सब पे काम करेंगे। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि हम बाकी भी गैंग के लोगों को निस्तनाबूद करेंगे, पकड़ेंगे, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे। झांसी की मोठ तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस मजाक बनकर रह गया। समाधान के लिए मौके पर पहुंचे एसडीओ जल निगम सी के त्रिपाठी गहरी नींद में खर्राटे भरते नजर आए। जब अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस को ऐसी गंभीरता से ले रहे हैं तो अब लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाल घेरे में जल निगम के एसडीओ हैं जो बैठक में सो रहे हैं। समाधान दिवस था ये और इसमें अधिकारी सो गए। तो झांसी में समाधान दिवस पर अधिकारी सोते दिखाई दिए। जल निगम के एसडीओ बैठक में सोते रहे, बैठक चलती रही। अब ऐसे में जनता की समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा, ये सोचने वाली बात है। समाधान दिवस पर ये मीटिंग थी और इसमें अधिकारी नींद में खर्राटे भरते दिखाई दिए। और अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां 29 और 30 अगस्त को रामनगरी में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। रामायण कॉन्क्लेव को लेकर बैठक में रूपरेखा तय हो गई है। लोक कलाओं के माध्यम से रामायण कॉन्क्लेव होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 29 और 30 अगस्त को रामनगरी में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। रामायण कॉन्क्लेव को लेकर बैठक में रूपरेखा तय कर ली गई है और इस रामायण कॉन्क्लेव में लोक कलाओं के जरिए
ये रामायण कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 29 और 30 अगस्त को अयोध्या में भव्य रामायण कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। बैठक में इसकी रूपरेखा तय हो गई है। प्रदेश के 5 सांस्कृतिक अंचलों अवधांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और ब्रजांचल, पश्चिमांचल के 16 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विभिन्न प्रसंगों को सजीव चित्रण और विभिन्न गोष्ठियां, पेंटिंग प्रतियोगिताएं और लोक कलाओं के जरिए ये रामायण कॉन्क्लेव होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 29 और 30 अगस्त को रामनगरी में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर बैठक में रूपरेखा तय कर ली गई है। लोक कलाओं के माध्यम से ये रामायण कॉन्क्लेव होगा, पेंटिंग्स प्रतियोगिताएं होंगी। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में तमाम तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से आए पिंक स्टोन तो होंगे ही। मंदिर की चौखट बाजू मकराना के सफेद उच्च कोटि के मार्बल से बनेगी। पूरे गर्भगृह में 30 चौखट बाजू का इस्तेमाल होगा। मंदिर निर्माण से जुड़ी कार्यदायी संस्था के इंजीनियर और अधिकारियों के साथ 2 दिनों की बैठक में इस पर मंथन हुआ। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्राथमिकता है कि 2023 के आखिरी वक्त तक भगवान रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित हो जाएं, जिससे श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकें। मंदिर में 360,000 घन फुट पत्थर लग सकता है, पर कोटे में जोधपुर के पत्थर का इस्तेमाल होगा। बहुत अधिक वर्षा हो गई, मिट्टी में नमी आ गई, तो उसकी नमी का असर मिर्जापुर के सैंडस्टोन पर कम से कम पड़े, इसलिए बाहरी परिधि पर ग्रेनाइट की 3 लेयर लगाएंगे। ग्रेनाइट में पानी को सोखने का स्वभाव बहुत रेयर है। रामलला के मंदिर की नींव में लगने वाले मिर्जापुर के बलुआ पत्थरों की दूसरी खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। ट्रक में 16 घनफुट के 19 पत्थर लाए गए हैं। इससे पहले 7 जुलाई को भी 16 घनफुट के 30 पत्थरों को लेकर ट्रक अयोध्या पहुंचा था। दरअसल राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए नींव भरने के बाद प्लिंथ में अंदरूनी हिस्से पर मिर्जापुर के पत्थरों का इस्तेमाल होगा, जबकि बेस प्लिंथ को नमी से बचाने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों की 3 लेयर प्लिंथ के बाहरी हिस्सों पर लगाई जाएगी, जिससे भारी बारिश और मिट्टी में नमी का असर प्लिंथ पर ना पड़े। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऊंचा करने में मिर्जापुर का पत्थर ये विचार हुआ था, अब बाहरी परत पर, बाहर की सीमा पर ग्रेनाइट भी लगाएंगे, 2-2 फीट की, एक के ऊपर एक 3 लेयर। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले में एकाएक हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाली दूसरी महिला पर चाकू से वार कर दिया। देखते ही देखते महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक तस्लीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। तो एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया रामपुर में। एक महिला आई थी, अभी पुलिस कांस्टेबल लेके आई थी, लेकिन वो पहले से ही मृत है वो। और यहाँ पे देखने का था, हमने सीजी वगैरह किया तो कोई साइन नहीं उनके अंदर लाइफ की, वो ऑलरेडी डेड है वहाँ पे। अब वो काफ़ी दिन किसी धारदार हथियार से घायल हुई है, क्योंकि जख्म का निशान उनके गर्दन पे मौजूद है। अब उनकी बॉडी यहाँ पुलिस को सूचित कर दी गई, आगे पोस्टमार्टम के लिए उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया।